मित्रों, सऊदी अरब ने योग को प्रोत्साहित करने में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है। अब आप कहेंगे कि इसका हिंदू धर्म से क्या लेना देना और इससे भारतीयों को क्या फायदा होने वाला, चलिए आज आपको यही बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेंद्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। MOU पर हस्ताक्षर सऊदी अरब के खेल मंत्रालय और भारत के आयुष मंत्रालय से जुड़े मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग के बीच हुआ है। अरब न्यूज ने लिखा है कि इस समझौते से सऊदी अरब में योग की मान्यता और पाठ्यक्रमों की राह खुलेगी। MOU के तहत योग में रिसर्च, शिक्षा और ट्रेनिंग को लेकर भी साझेदारी बढ़ेगी। इस MOU पर सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉक्टर औसफ सईद और सऊदी खेल मंत्रालय के लीडर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के निदेशक अब्दुल्लाह फैसल हमाद ने किए हैं। इस MOU पर हस्ताक्षर के लिए रियाद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का वीडियो सऊदी अरब में भारत के दूतावास की तरफ से ट्विटर पर पोस्ट किया गया। जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था उसी दिन 21 जून को यह MOU पेश किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बढ़ावा देने के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। सऊदी अरब में भारत के दूतावास ने इस समझौते को लेकर ट्विटर पर लिखा कि इस समझौते का उद्देश्य सऊदी अरब में योग को प्रोत्साहित करना है। खाड़ी के देशों में योग को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह की यह पहली पहल है। मित्रों, यह भारत के लिए और हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि योग को लेकर इस्लामिक देशों में बहुत उत्साह नहीं देखा जा सकता है। वहां सीधे तौर पर योग को हिंदू धर्म से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में सऊदी के साथ यह समझौता मायने रखता है। सऊदी वो देश है जहाँ इस्लाम की सबसे पवित्र जगह मक्का और मदीना है। आखिर सऊदी अरब से अन्य इस्लामिक देशों को भी सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से वह अब सभी देशों की संस्कृति को स्वीकार कर रहा है। आपका इस पर क्या सोचना है? क्या इससे विदेशों में हिंदू धर्म के बढ़ने में किसी प्रकार की मदद मिलेगी? कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।